नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनलॉक टेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, आजकल गूगल फॉर्म की जो है बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। कोई भी डाटा सर्वे कराना हो या हमें कोई भी काम ऐसा कराना हो जिसमें हमें बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत हो, कोई एप्लीकेशन फॉर्म भराना हो, स्कूल कॉलेजेस ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी, कोरोना आने के बाद जो है गूगल फॉर्म की बहुत डिमांड बढ़ गई है। गूगल फॉर्म को कैसे बनाया जाए इसके काफ़ी सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। वो ज़्यादातर मिलेंगे आपको कि पीसी और डेस्कटॉप पर कैसे बनाया जाए। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ इसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर मोबाइल के सहारे जो है कैसे एक गूगल फॉर्म को बना सकते हैं, कैसे आप उसको एडवांस कर सकते हैं, कैसे आप उसमें जो है वैलिडेशंस लगा सकते हैं और आप उसको जो है लिंक जनरेट करके, आपको बहुत कम समय लगेगा आपके सुविधा अनुसार। मैं एक एग्जांपल देकर आपको दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जाएंगे हमारे गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद जो है हमें यहाँ लिखना होगा गूगल फॉर्म। जैसे हम यहाँ गूगल फॉर्म लिखेंगे, गूगल का ऑफिशियल पेज आएगा। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं ये जो आपको लिंक दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है www.google.com/forms-about। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा क्रिएट ब्यूटीफुल फॉर्म्स, एक लिखा है पर्सनल, नीचे लिखा है बिजनेस। ये बिजनेस जो है यहाँ पर हमें प्रीमियम अकाउंट लेना होता है, जी सूट इसका नाम है। यहाँ पर हमें कुछ और ज़्यादा एप्लीकेशंस, कुछ और ज़्यादा फायदे मिलते हैं, लेकिन जब हमें कुछ क्रिएटिव बेस पर एक छोटे लेवल पर करना हो तो हम पर्सनल लेवल का यूज़ करके जो है अभी आपको यहाँ से बताएंगे। देखिए लिखा है कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन बिग एंड स्मॉल विद गूगल फॉर्म फॉर फ्री। हम गो टू गूगल फॉर्म पर क्लिक करने वाले हैं। जैसे ही हमने ये क्लिक किया गो टू गूगल फॉर्म, यहाँ से देखिए ये एक ओपन हुआ है। यहाँ पर हमारी आईडी आ गई है जहाँ पर आपको मेरा फोटो दिख रहा होगा राइट टॉप पर। यहाँ पर दिखाया जाता है कि किस आईडी के थ्रू आप इस जीमेल को लेकर जो है इस गूगल फॉर्म को बना रहे हैं। अब देखें दोस्तों यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ दे रखी है, ऊपर दे रखा है एंटाइटल फॉर्म। हम यहाँ लिख देते हैं, एक बना देते हैं साइन अप फॉर्म। आप लोगों ने देखे होंगे जब आप किसी वेबसाइट पर पहली बार जाते हैं, हम साइन अप फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पर आप जो है क्वेश्चंस देंगे, जैसे क्वेश्चन देंगे नीचे आप यहाँ एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं साइन अप फॉर एग्जाम्पल, ये हमने लिख दिया है। यहाँ हम क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन में हम जैसे देते हैं योर नेम, यहाँ पे हमने नेम दिया। जैसे ही आप नेम देंगे देखिए नीचे आ गया है शॉर्ट आंसर्स। आप यहाँ पर इमेज भी लगा सकते हैं, शॉर्ट आंसर्स आप यहाँ पैराग्राफ भी ले सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इनका यूज़ करके भी हम आपको बताएंगे। जैसे हमने यहाँ ले लिया है शॉर्ट आंसर्स, अभी हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ आप छोटा सा टेक्स्ट भी लिख सकते हैं शॉर्ट आंसर्स के लिए। नीचे आप कुछ ऑप्शंस देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ ये कॉपी का ऑप्शन दे रखा है, इसके पास में डिलीट का ऑप्शन दे रखा है, एक दे रखा है रिक्वायर्ड का ऑप्शन। जैसे ये आप इस रिक्वायर्ड ऑप्शन को यहाँ पर इनेबल कर देंगे, अब ये मैंडेटरी है कि आपको ये वाली फील्ड जो है भरनी ही भरनी है। यहाँ तीन डॉट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, आप रिस्पॉन्स वैलिडेशन लगा सकते हैं। रिस्पॉन्स वैलिडेशन क्या है ये मैं आगे आपको मोबाइल और ईमेल के दौरान जो है समझाऊंगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। योर नेम के बाद जो है हम यहाँ पर नीचे आप जो ऑप्शंस देख पा रहे हैं, यहाँ दिख रहा है एक प्लस का सिंबल आपको, यहाँ पर स्मॉल और आपको लार्ज टी दिख रहे हैं। हम प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे तो एक नया जो है यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जैसा कह सकते हैं, जो एक क्वेश्चन का आउटलुक होता है वो आ जाएगा। देखिए यहाँ प्लस पर क्लिक किया, ये नेक्स्ट आ गया है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं मोबाइल नंबर, यहाँ हमने लिखा मोबाइल नंबर। देखिए दोस्तों मोबाइल नंबर लिखा, यहाँ भी शॉर्ट आंसर ले लिया है। यहाँ पर जो है आप वैलिडेशन लगा सकते हैं। वैलिडेशन गूगल फॉर्म में इतना एडवांस तो नहीं है कि एग्जैक्ट मोबाइल नंबर को हम ट्रेस कर सकें, लेकिन आप ऐसा लगा सकते हैं कि सामने वाला जो है 10 डिजिट जो मोबाइल की होती है वह पूरी डालें। कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ। आपको जाना है यहाँ तीन डॉट्स पर, तीन डॉट्स पर जाने के बाद आपको रिस्पॉन्स वैलिडेशन नीचे लिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर रहा है। उससे पहले आप डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिख सकते हैं एंटर, प्लीज एंटर
वैलिड मोबाइल नंबर, ये हमने लिख दिया है। अब हम यहाँ डॉट पर आकर और यहाँ वैलिडेशन लगाते हैं। वैलिडेशन क्या होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ नंबर दे रखा है, नंबर लिखा हुआ है। वैलिडेशन काफ़ी बहुत सारे प्रकार के इसमें हैं, अलग अलग उसमें हमें नंबर लेना है। यहाँ पर हमको नीचे जाकर बिटवीन सेलेक्ट कर लेना है, अभी ग्रेटर देन पर बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट है, हमें बिटवीन कर लेना है। ये देखिए हम बिटवीन पर गए, बिटवीन पर जाने के बाद यहाँ दो नंबर हमें डालने हैं। वह नंबर डालने पर जो है यहाँ पर एग्जैक्ट वो 10 डिजिट का वैलिड नंबर यहाँ आ जाएगा। तो पहली बार में हम यहाँ लिख देते हैं 9 टाइम्स, हम 9 लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले में आएंगे, यहाँ पर हम 10 टाइम्स जो है 9 को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने लिख दिया है। हम यहाँ कस्टम एरर लिख देते हैं, अगर कोई इसके आगे पीछे या गलत नंबर लिखेगा तो यहाँ आ जाएगा प्लीज एंटर करेक्ट नंबर, ये हमने लिख दिया है, आप सही नंबर जो है यहाँ पर एंटर करें। अब आप दोस्तों देख सकते हैं वैलिडेशन हमने लगा दिया है। मैं एक बार टेस्ट करके आपको ये दिखा देता हूँ। आप ऊपर मेरे फोटो के पास में 3 डॉट देख रहे होंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है प्रीव्यू का। दोस्तों थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि ये पूरा गूगल फॉर्म समझाने में आपको थोड़ा समय लगेगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। हम प्रीव्यू पर क्लिक करने वाले हैं। जैसे ही हम प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको जो है आपका जो हमने फॉर्म बनाया है साइनअप नाम करके, वो इस तरीके से आपको दिखेगा। ऊपर हमने नेम दिया है, ये जो रेड स्टार है ये रिक्वायर्ड फील्ड है, ये आपको भरनी ही भरनी है। और यहाँ पे जो हमने अभी वैलिडेशन लगाया है मोबाइल नंबर में, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक मोबाइल नंबर टाइप करके। जैसे ही हम यहाँ मोबाइल नंबर टाइप कर रहे हैं और मैं 1 डिजिट जो है छोड़ दूंगा और मैंने 9 डिजिट यहाँ पर एंटर कर दी है। और जैसे ही मैं दूसरी फील्ड पर जाऊँगा तो देखिए यहाँ पर दोस्तों नीचे मैसेज आ रहा है प्लीज़ एंटर करेक्ट नंबर। अब जैसे ही मैं यहाँ पर एक मैंने 9 डिजिट डाली है, मैं एक आखिरी डिजिट भी डाल दूंगा 10वीं, तो देखिए यहाँ से वो एरर मैसेज चला गया है और ये एग्जैक्ट आ गया है। अभी हम अगर 1 डिजिट और डाल देते हैं, हम इसको 11 अंकों का नंबर कर देते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों फिर से एरर आ जाएगा। देखिए ये देखिए फिर से एरर आ गया है, प्लीज़ एंटर है करेक्ट नंबर। तो अब वो वैलिडेशन लगाने के बाद यहाँ पर हमें सिर्फ 10 डिजिट का ही एग्जैक्ट नंबर डालना होगा, इसके बाद यहाँ पर कोई भी एरर मैसेज नहीं आएगा। तो ये था दोस्तों मोबाइल नंबर, नीचे हम आकर ऐड करेंगे नेक्स्ट। ऐड करने के बाद आप यहाँ पर जैसे कि होता है हम एड्रेस कर लेते हैं, या ऐसे हमने लिख दिया है, एड्रेस के भी प्रकार होते हैं कॉरेस्पोंडेंट और ऐसे करके। एड्रेस को आप जो है पैराग्राफ में ले लिया है उसने ऑटोमेटिकली, एड्रेस किसी किसी का बड़ा भी हो सकता है, आप चाहें तो इसको मैंडेटरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये हो गया है। इसके बाद दोस्तों जो ईमेल आईडी का कंसेप्ट है और वेबसाइट का कंसेप्ट है, मान लीजिए आपको कोई वेबसाइट का वेब URL डलाना है, जैसे हम नेक्स्ट पर जाएंगे, हम यहाँ लिख देते हैं वेबसाइट URL। अब आप चाहते हैं कि वो एग्जैक्ट वेबसाइट का URL यहाँ पर डाले, तो आप इन 3 डॉट के पास जाएंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। यहाँ रिस्पॉन्स वैलिडेशन में आप नंबर की जगह सेलेक्ट करने वाले हैं यहाँ पर जो है नीचे लिखा हुआ है टेक्स्ट, यहाँ पर आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट में आप देख सकते हैं कंटेंट्स में आता है, आप कोई यहाँ पर एक जैसे कहते हैं कि हम एक वो डाल देते हैं सर्कुलर टाइप का, जिसमें कि इतनी इतनी चीज़ें होनी चाहिए, आप डजन कंटेन कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस या आप URL पर सेलेक्ट कर देंगे, ये आपने URL सेलेक्ट कर दिया है। तो अब ये जो वेबसाइट है यहाँ जब आप उस फॉर्म को भरेंगे तो यहाँ पर एग्जैक्ट URL ही लेगा, अगर वो URL गलत होगा तो यहाँ से URL को वो नहीं लेगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं ईमेल एड्रेस लेना, हम देखिए ईमेल एड्रेस के लिए यहाँ पर फिर से प्लस करेंगे, एक फिर से फील्ड ले लेते हैं, यहाँ पर प्लस फील्ड ले ली हमने, यहाँ ले लिया है ईमेल। यहाँ ईमेल आने के बाद शॉर्ट आंसर्स आ गया है, नीचे आप रिस्पॉन्स वैलिडेशन पर जाएंगे, यहाँ रिस्पॉन्स वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पर लेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट लेने के बाद आप यहाँ पर एंटर कर देंगे ईमेल एड्रेस, और यहाँ आप दे सकते हैं प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल आईडी, ये हमने लिख दिया है, आप वैलिड ईमेल आईडी को एंटर करें। अब हम ऊपर जाकर आपको दिखाएंगे यहाँ से प्रीव्यू पर, ये देखिए यहाँ पर फील्ड आ गई है, ये ईमेल एड्रेस का फील्ड आ गया है। मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी गलत आईडी लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है और @ वगैरह नहीं लगाया है,
देखिए नीचे लिखा आ गया है प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल आईडी। और जैसे ही मैं यहाँ पर जो है वैलिड पूरा ईमेल आईडी यहाँ पर इंसर्ट करूँगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ से वो एरर चला गया है और अब वो एरर नहीं आएगा। तो ये काफ़ी अच्छे वैलिडेशंस यहाँ पर गूगल फॉर्म हमें प्रोवाइड करता है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक फॉर्म बन गया है। मैं ज़्यादा इसमें और आपको समय आपका नहीं लूँगा, आप अपने जैसा जो बनाते हैं उसके अनुसार आप यहाँ पर इजीली फॉर्म को बना सकते हैं। एक और हम मैं आपको दोस्तों यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ऊपर जो आपको ये दिख रहा है जहाँ पर हम इसको सेंड करते हैं उसके पास में एक थीम आइकन का ये बटन है जिसे हम थीम आइकन का बटन बोलते हैं। इस पर जो है कैसे काम किया जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप ऊपर देख पा रहे होंगे ऑप्शन आ रहा है हेडर का। हेडर जाने के बाद जो आप देखते होंगे काफ़ी गूगल फॉर्म्स में ऊपर एक इमेज लगा दी जाती है, वो यहीं से सिलेक्ट की जाती है। गूगल अपने बाय डिफ़ॉल्ट हेडर इमेजेस भी देता है और आप चाहें तो अपने गैलरी में से अगर आपने भी कोई फ़ोटो बनाई है तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। हम चूज़ इमेज पर क्लिक करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे इन्होंने कैटेगराइज कर रखे हैं, वर्क इन स्कूल, इलस्ट्रेशन, बर्थडे, फूड एंड डाइनिंग। आपको जैसा भी गूगल फॉर्म बनाना है, हमने अभी वर्क एंड स्कूल लिया है, हम इसमें से एक इमेज को सिलेक्ट कर रहे हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको इंसर्ट कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों देखिए ऊपर इंसर्ट हो गया है। अभी हमें थीम का कलर चेंज करना है तो हमने ये थीम का कलर चेंज कर लिया है। यहाँ आएंगे, यहाँ हमने ये थीम का कलर रख लिया है, ऐड करेंगे, बैकग्राउंड कलर लेंगे। नीचे आप फॉन्ट स्टाइल देख सकते हैं, जैसा दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों को गूगल फॉर्म किस फॉन्ट स्टाइल में चाहिए। यहाँ पर काफ़ी सारे फॉन्ट स्टाइल आते हैं, डेकोरेटिव, फॉर्मल, प्लेफुल, हम बेसिक पर ही रहेंगे। आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी फॉन्ट स्टाइल यहाँ से ले सकते हैं। अब हम ऊपर जाकर अप्लाई पर क्लिक करने वाले हैं। यहाँ पर क्लिक करते ही देखिए दोस्तों ये अप्लाई हो गया है। अब आप जाकर प्रीव्यू देखेंगे तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर एक आपको गूगल फॉर्म यहाँ पर बन के दिख गया है। एक छोटे से 5-10 मिनट में आप इस तरह के गूगल फॉर्म को आप यहाँ पर बना सकते हैं। ये देखिए अभी मैं जो है ईमेल एड्रेस का यहाँ से ऑप्शन डिलीट कर रहा हूँ। दोस्तों डिलीट क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए हमने यहाँ से डिलीट कर दिया है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम गूगल फॉर्म को भरते हैं, जब गूगल फॉर्म सबमिट करते हैं तो आप लोगों के पास उसका रिस्पॉन्स आता है या आप उसको इनेबल करते हैं तो रिस्पॉन्स आ जाता है। उसकी मदद से दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर जो है ये पूरी एप्लीकेशन को लगा दिया जाता है। देखिए आप जाएंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये तीन डॉट पर जो मेरे फ़ोटो के पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप सेटिंग्स का बटन क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पर जाने के बाद जो है दोस्तों ये सेटिंग्स हैं और ये काफ़ी अच्छी सेटिंग्स हैं, जनरल सेटिंग्स। ऊपर लिखा है कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। आप चाहते हैं कि सभी लोग इस फॉर्म को जीमेल आईडी के थ्रू भरें, साइन इन होने के बाद भरें, तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे, कलेक्ट जीमेल एड्रेस ले लिया है हमने। अब आप चाहते हैं रिस्पॉन्स की रिसिप्ट जो है फॉर्म भरने वाले के पास जाए, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ दो ऑप्शन आएंगे, अगर ऑलवेज आप करते हैं तो जैसे ही वो गूगल फॉर्म को भरेगा उसकी ईमेल आईडी पर उसका रिस्पॉन्स चला जाएगा। अगर आप ऑलवेज नहीं कर रहे हैं और लिखते हैं इफ़ रिस्पोंडेंट रिक्वेस्टेड इट, तो वहाँ पर नीचे सबमिट के ऊपर एक ऑप्शन आता है इनेबल का, उसमें आप बटन को इनेबल करेंगे तो आपके पास ईमेल एड्रेस के पास जो है पूरा फॉर्म का डेटा आएगा, और अगर आप उसको डिसेबल रखेंगे तो आपके पास डेटा नहीं आएगा। तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। नीचे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे एक लिखा है लिमिट टू वन रिस्पॉन्स। आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग एक ही फ़ोन से बहुत सारे डेटा को भर देते हैं, अलग अलग लोगों की जानकारी भर देते हैं। अगर आप ऐसा कराना चाहते हैं कि आप एक ईमेल आईडी से एक ही रिस्पॉन्स को भर पाएँ तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसे हम यहाँ पर हाल खाली छोड़ देंगे। नीचे देख सकते हैं आप एडिट करना चाहते हैं, सबमिट करने के बाद समरी देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आप जनरल के पास आएंगे, प्रेजेंटेशन पर, प्रेजेंटेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो चेकबॉक्स लिखा है शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, यहाँ पर आपने देखा होगा जब फॉर्म भरा जाता है तो फिर से वहाँ पर मैसेज आ जाता है अनदर रिस्पॉन्स भरने के लिए लिंक। इसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कन्फर्मेशन मैसेज है। नीचे यहाँ पे आप लिख सकते हैं जब फॉर्म भर दिया जाता है बाय डिफॉल्ट लिखा आता है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। आप यहाँ लिख सकते हैं थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। आप चाहते हैं जैसे आपने देखा हो नीचे कोई टेलीग्राम के ग्रुप से ऐड कराना हो, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कराना हो, तो आप यहाँ पर नीचे जाएंगे, एंटर करने के बाद आप लिख सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप लिंक हियर, और नीचे जो है दोस्तों आप यहाँ पर उस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे आप लिंक को पेस्ट कर देंगे सामने वाला फॉर्म भरेगा। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं ABCD, मान लीजिए ये हमारी कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है और अब हमने यहाँ से इसको सेव कर दिया है। दोस्तों ये सेव हो गया है। आपने देखा होगा
अभी ऊपर योर नेम था लेकिन अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस आ गया है, वो भी वैलिड ईमेल एड्रेस, क्योंकि आप रिस्पॉन्स को जो है, जो सेंडर है, रिस्पॉन्सर है, उसके पास भेजना चाहते हैं, इसलिए हम बाय डिफॉल्ट ईमेल एड्रेस ऊपर ले रहे हैं। ये हमारा फॉर्म बन के तैयार हो गया है। अब हमें करना क्या है, आप देख रहे होंगे ये आपको सेंड का एक मैसेज बटन दिख रहा होगा तीन डॉट के पास, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, अगर आप किसी को वाया मेल करना चाहते हैं तो मेल कर सकते हैं। सेंड वाया मेल के पास एक ऑप्शन आ रहा है जो प्री लिंक जनरेट करता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये आपकी लिंक है इस गूगल फॉर्म की, आप उसको छोटा कर सकते हैं, आप शॉर्ट एन URL पर क्लिक करेंगे। ये हमने शॉर्ट एन URL पर क्लिक कर लिया है, देखिए ये लिंक शॉर्ट हो गई है, थोड़ी सी छोटी हो गई है। अब कॉपी बटन पर क्लिक करके हम इसको कॉपी करने वाले हैं। ये दोस्तों मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ से कॉपी करने के बाद ये गूगल फॉर्म रेडी है। अब मैं यहाँ से इसको हटाने वाला हूँ, ये देखिए मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है। अब हमें करना क्या है, अब हमें चलना है हमारे क्रोम ब्राउज़र पर, आप किसी भी ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, वहाँ पर जाने के बाद आप इस गूगल फॉर्म के लिंक को आपने पेस्ट कर दिया है और आप यहाँ से इसको एंटर करेंगे। देखिए ये गूगल फॉर्म ओपन होने वाला है, यहाँ पर ये देखिए साइन अप नाम करके वो गूगल फॉर्म आ गया है, ऊपर इमेज आ गई है, नीचे ये डेटा लिखा हुआ है। अभी मैं इस फॉर्म को आपको फिल करके दिखाता हूँ और फिर इसकी एंट्री कहाँ आती है मैं ये भी दिखाऊंगा। यहाँ मैं अपनी ईमेल आईडी लिख रहा हूँ, ये मैंने ईमेल आईडी लिख दी है अपनी, इसके बाद मैंने अपना यहाँ नाम लिख दिया है, यहाँ पर मैं वैलिड अपना जो है मोबाइल नंबर लिखने वाला हूँ, क्योंकि देखिए अगर मैं इसको एक छोड़ दूंगा तो यहाँ तुरंत एरर आ जाएगा, और एक अगर ज़्यादा लिख दूंगा तो भी एरर आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर लिखूंगा। नंबर लिखने के बाद जो है दोस्तों आप देख पा रहे होंगे एड्रेस हम लिख देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए एड्रेस हमने भोपाल लिख दिया है। देखिए दोस्तों नीचे ये ऑप्शन आ रहा है सेंड मी अ कॉपी ऑफ माई रिस्पॉन्सेस, यही वो ऑप्शन था जहाँ मैंने इफ रिक्वेस्ट वाले पर क्लिक किया था कि अगर यूज़र चाहता है कि उसके मेल पर रिस्पॉन्स जाए तो वो इसको इनेबल कर लेगा, और यूज़र चाहता है कि ना जाए रिस्पॉन्स तो वो इसको डिसेबल रखेगा। हम इसको अभी इनेबल करके सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद वही मैसेज आएगा, वही व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दिखेगी जो हमने वहाँ डाली है। देखिए ये हमने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद लिखा गया है थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक हेयर, ये जो ABCD है इसकी जगह आप अपनी वैलिड व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक को, टेलीग्राम की लिंक को, जो भी आप डालना चाहते हैं यहाँ डाल सकते हैं। नीचे आ रहा है सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया फॉर्म खुलेगा, यहाँ से हम एक और रिस्पॉन्स को फिर से भर सकते हैं। अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ ये एक एंट्री कहाँ आई होगी, कैसे इसकी एक्सेल शीट जनरेट होगी, और कैसे आप उस एक्सेल शीट को कहीं भी सेंड कर सकते हैं, उसका PDF बना सकते हैं, आप सारे काम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अब मैं एक काम करूँगा, यहाँ से आऊँगा दोबारा गूगल पर, गूगल पर जाने के बाद यहाँ लिखेंगे गूगल फॉर्म, ये मैंने गूगल फॉर्म लिख दिया है, गूगल फॉर्म में हमें वहीं जाना है जहाँ से हमने गूगल फॉर्म को क्रिएट किया था। अब इस बार आप इसको जो है ओपन करने वाले हैं, आप ऊपर देख रहे होंगे दोस्तों तीन डॉट, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जो है डेस्कटॉप साइट पर इसको पेज को ओपन करेंगे, यहाँ डेस्कटॉप साइट पर आप क्लिक कर दें। अब ये जो पेज है डेस्कटॉप साइट पर आ गया है, आपको पर्सनल में गो टू गूगल फॉर्म पर क्लिक करना है। गो टू गूगल फॉर्म पर जाने के बाद अब जितने भी हमने जो है अभी तक गूगल फॉर्म या इस ईमेल आईडी पर जनरेट होंगे वो सभी यहाँ आपको दिख रहे होंगे, आप जूम करके देख सकते हैं, ये हमारा वो फॉर्म है, इसको आप क्लिक करेंगे। अनटाइटल्ड फॉर्म अभी लिखा है, हमने यहाँ पर नाम नहीं दिया था, इसको क्लिक करते ही वह फॉर्म ओपन हो जाएगा, आप उसमें कुछ एडिट करना चाहें आप एडिट भी कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस के बगल में एक रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, ये वही रिस्पॉन्स है जो मैंने भरा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए ये रिस्पॉन्स आ गया है जो मैंने रिस्पॉन्स भरा हुआ था, वो रिस्पॉन्स यहाँ पर आपको दिख रहा है ईजीली, ये रिस्पॉन्स है, ये क्वेश्चन हैं उसके, ये इंडिविजुअल्स जो जैसे भरते हैं। अब ये रिस्पॉन्स यहाँ पर तो आपको ऐसे दिखेंगे, ग्राफ में भी दिखेंगे, सब कुछ दिखेगा। आप चाहते हैं इसकी एक्सेल शीट जनरेट करना, एक एक्सेल शीट बनाना और उसको PDF बनाकर या एक्सेल बनाकर उसको शेयर करना, आप इसको जूम करें, जूम करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो रिस्पॉन्स आए थे दोस्तों, यहाँ आपको दिख रहा होगा एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स, आप इस बटन को बंद करके जो है इस फॉर्म को आप कहते हैं कुछ समय के लिए बंद भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज को बंद कर दिया है, अब वो जो लिंक बनाई गई थी वो लिंक ओपन नहीं होगी, वहाँ लिखा आया होगा कि आप अपने ओनर से या एडमिन से कॉन्टेक्ट कीजिए, तो यहाँ से आप इस फॉर्म को एक्टिव और इनएक्टिव भी कर सकते हैं।
ऊपर आपको ये दिख रहा होगा एक्सेल का सिंबल, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए एक शीट बन के आ रही है हमारे पास। ये शीट है, ये एक नई स्प्रेडशीट ओपन होगी। पहले हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, हमने एक्सेल शीट को नाम देना है, साइन अप हमने कर दिए लिख दिया है और नीचे हम क्रिएट पर क्लिक करने वाले हैं। देखिए दोस्तों ये क्रिएट हो गई है। क्रिएट होने के बाद जो है ये बोल रही है आप किस अकाउंट से ओपन कर सकते हैं। हम इसको स्प्रेडशीट को यहाँ से ओपन करने वाले हैं। देखिए ये ओपन हो गई है, ये इसका एक्सेल शीट जनरेट हो गया है। जिस क्रम में फॉर्म बना था उसी क्रम में ये एक्सेल शीट आया है। आप देख सकते हैं ये नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये पूरी एक्सेल शीट है। अब दोस्तों इसका भी क्या है, आप ऊपर ये तीन डॉट देख रहे होंगे एक्सेल शीट का, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आप जो है अगर आपको ये किसी को सेंड करना है तो आप इसको शेयर एंड एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। और भी ऑप्शंस हैं, आप सब यूज़ करके देख सकते हैं। अभी हम शेयर एंड एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद लिखा है सेंड अ कॉपी, आप कॉपी लिंक कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, दूसरी कॉपी बना सकते हैं, लेकिन हम सेंड अ कॉपी पर जा रहे हैं। सेंड अ कॉपी पर करने के बाद दोस्तों देखिए कितने सारे ऑप्शंस आते हैं। आप एक्सेल में भेजना चाहते हैं, आप पीडीएफ में भेजना चाहते हैं, आप ODS में भेजना चाहते हैं, आप इसका वेब पेज बनाना चाहते हैं, आप इसकी करेंट शीट जो है CSV और TSV के फॉर्म में बनाना चाहते हैं। तो हमने अभी इसको एक्सेल में बनाकर जो है ओके कर देना है, या हम इसको PDF में बना देते हैं। चलिए हम इसको PDF में बना देते हैं। हम यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे आपको नीचे, ये ऑप्शंस हैं। अब आप WhatsApp पे भेजना चाहें, Gmail पर भेजना चाहें, जैसे भी आप भेजना चाहते हैं यहाँ पर इजीली आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मैंने आपको एक्सेल शीट बना के दिखा दिया, कैसे डेटा प्रोसेस होता है ये भी बता दिया, कैसे रिस्पॉन्सेस आते हैं, ये आपके क्वेश्चंस हैं। अभी दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि इसमें आप लोग कुछ चेंज कर दें, अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो ये फॉर्म फिर से आपके आगे आ गया है। आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने के बाद जो है दोस्तों आप फिर से उसको क्या कर पाएंगे, वहाँ पर आप फिर से जो है उसको और क्वेश्चंस एडिट करना चाहते हैं, कोई दूसरा काम करना चाहते हैं, तो सभी काम इजीली आप यहाँ पर कर पाएंगे। ये आपके गूगल फॉर्म्स हैं। अभी इसमें कोई भी ऐसी एंट्री नहीं बची है या कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा है जो आपका अनसुलझा रह गया हो। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और ये ट्यूटोरियल गूगल फॉर्म मोबाइल पर कैसे बनाया जाए समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों बनाना आसान है लेकिन मुझे ये समझाना भी था आपको एग्जाम्पल देकर, इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया होगा ऐसा मुझे लग रहा है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों उसमें मैं आपको गूगल फॉर्म एप्लीकेशन की मदद से बताऊंगा कि सारे गूगल फॉर्म्स को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे प्रोसेस किया जाता है, कैसे अपडेट डिलीट किया जाता है। और दूसरी बात, इसके बाद मैं जो सीरीज शुरू करने वाला हूँ उसमें आपको बताऊँगा कैसे आप लोग गूगल फॉर्म पर एक टेस्ट बना सकते हैं, जिसमें आप 20 नंबर का, 10 नंबर का, 50 नंबर का, 100 नंबर का एक टेस्ट बना सकते हैं, जो कि ऑटो चेक बनाऊँगा मैं। जैसे ही बच्चा फिल करेगा उसे उसके मार्क्स दिखेंगे। ये सारा काम हम मोबाइल पर ही करेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे दोस्तों एक लिमिट बाउंड वाला टेस्ट, जैसे हम चाहते हैं एक टेस्ट बनाया जाए जिसमें 30 मिनट का एक टाइमर चले और 30 मिनट का टाइमर चलने के बाद जो है वो टेस्ट स्वतः ही बंद हो जाए। इसके बाद हमारी सीरीज में आगे हम बताएंगे कैसे हम गूगल फॉर्म की मदद से सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली हम मिनिमम 100 सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं फ्री अकाउंट पर, ये भी मैं आपको आगे वाली वीडियो से बताऊँगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।